30 मार्च 1949 को स्थापित हुआ राजस्थान केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी प्रचारणी सभा के द्वारा कला मंदिर में धड़कन धोरारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित अतिथियों ने राजस्थानी भाषा के साथ ही राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और पहनावे को भी बढ़ावा देने की बात कही। 30 मार्च 1949 राजस्थान के नाम से एक सांस्कृतिक चेतना जागृत तो हुआ, एक सुगंध हुआ, एक तेवर है, मिजाज है राजस्थान को। राजस्थान को नाम लेने से अमीर हट याद आवे, राजस्थान को याद लेने से प्रताप याद आवे, दुर्गादास राठौर याद आवे। तो ऐ तरीके से राजस्थान भाषा ने हटा दो तो संस्कृति को रेवे नहीं, संस्कृति ने हटाओ तो भाषा को। तो संस्कृति राजस्थानी नहीं रहती तो केव आपने धड़ाशय पास संस्कृति खास तौर से जिसका धनाढ्य हो गया या थोड़ा पढ़ लिख लिया या उच्च स्तर में आ गया बारे धड़ाशय पास संस्कृति धीरे धीरे धीमी तो पड़ रही। इस मौके पर विट्ठल दास मुंधड़ा, रवि पोद्दार, संस्था के अध्यक्ष रतन शाह के साथ ही दीपक अग्रवाल, मुरारीलाल दीवान, जस्टिस प्रदीप चौधरी, घनश्याम प्रसाद शोभा सरिया, प्रहलाद गोयंका, सूर्य प्रकाश बागला, महेश लोधा, संदीप गर्व एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जी, और जो इनिशिएटिव लिया गया है राजस्थानी समाज की तरफ से भाषा, संस्कृति, सभ्यता और इन सबको उजागर करने का और लोगों के मन में जागृति करने का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे करके लोग जिस सभ्यता और विरासत को भूल गए थे उसको वापस सोचेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए उसमें अपना योगदान देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे चीज़ को। कि हमको अपना अस्तित्व कायम रखना है तो हमको आप उस पीढ़ी की एकता कायम रखनी है, तो हमको अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को कायम रखना पड़ेगा, तभी तो हम एक रह सकेंगे। अगर हमारी संस्कृति सही नहीं होगी तो हम एक रहे होंगे किस आधार पर, और अगर संस्कृति को मजबूत करना है तो आपको भाषा को मजबूत करना है। ये सीधा सा लॉजिक है कि राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान का जो मिजाज है वो किसी भी समाज की पहचान उसकी भाषा है, और हम लोग बहुत दुख के साथ ये कहते हैं कि इतनी समृद्ध भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। संवैधानिक मान्यता के अभाव में राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, समाज की जो पहचान है वो गायब होने जाती है। हम तो ये भी मानते हैं कि किसी भी जाति में जो जाति गुण आते हैं वो उसकी भाषा के कारण आते हैं। इस मौके पर राजस्थान से आए कलाकारों ने राजस्थानी लोक गीत प्रस्तुत किए।